नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल सीआरएम स्टॉक्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, जो मैं आज आपके लिए शेयर लेकर आया हूँ 2022 का बेस्ट पेनी स्टॉक साबित हो सकता है। जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये 2022 का बेस्ट पेनी स्टॉक साबित हो सकता है। ये 4 रुपये का एक शेयर है जिसमें अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जी हाँ, इस शेयर में अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। कंपनी अपने ऑल टाइम लो की तरफ है, यानी जो कंपनी का अब तक का इतिहास है उसके सबसे न्यूनतम स्तर के आसपास ये कंपनी इस टाइम ट्रेड कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ निवेश करने का ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि एक मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि ये जो कंपनी है वो आने वाले समय में अच्छा करने वाली है। कंपनी अपने ऑल टाइम लो की तरफ है, यानी अब तक के जो प्राइस हैं उसके सबसे न्यूनतम स्तर पर ये कंपनी इस समय ट्रेड कर रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये निवेश करने का इसमें बहुत सही समय है। तो चलिए हम अब आपको अपने शेयर की तरफ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं जो कंपनी का शेयर का प्राइस है वो अभी के शेयर का प्राइस 4.55 रुपये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीते 5 दिन की इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बीते 5 दिन में जो कंपनी है उसने अपने शेयर के प्राइस में 0.05 रुपये अपने शेयर के प्राइस में ऐड किया, यानी 0.05 पैसे अपने शेयर के प्राइस में ऐड किए हैं, और 1.11% का हमें इसने रिटर्न दिया है पिछले 5 दिनों में। यानी कंपनी ने अच्छा करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। पिछले 1 महीने की बात करें, कंपनी डेफिनेटली लॉस में है 3% के। 6 महीने की बात करें, कंपनी लॉस में है। पिछले 1 साल की बात करें तो कंपनी ने 38% का लॉस दिया है। अब मैं सीधा आपको मैक्सिमम दिखाता हूँ। मैक्सिमम में आप ग्राफ देख सकते हैं, पहले आपको दिखा दूँ। मैक्सिमम में कंपनी ने 104% का हमें रिटर्न दिया है, यानी ऑल टाइम में कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, पहले सबसे पहले दिखाऊँ, देखो यहाँ देखिए जो अभी इसका अभी ये शेयर की प्राइस है ना, यहाँ देखिए मोटा मोटा दिखा रहा हूँ मैं आपको। जिसने सही समय से सही समय के लिए निवेश किया होगा ना, उसका देखिए उसने कम से कम 1462% का रिटर्न इसमें प्राप्त करा होगा। अब ये बिल्कुल सही बात है कि भाई ये लक होता है कि आप सही समय पर निकल जाएं उस शेयर को बेच के। ठीक है भाई, हमें ये नहीं पता कि हमें कब निकलना, उसमें हम गड़बड़ कर सकते हैं कि हम कम प्रॉफिट के साथ निकल गए, बाद में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन आपको ये तो पता ना आपको एंटर कब करना है, ये तो आपको पता होगा ना। अब आप इस चीज़ को देख के ये देख सकते हैं कि आपको एंटर कब करना है। इस लाइन को देख लीजिए आप, इस लाइन पे यानी अपने ऑल टाइम लो की तरफ है कंपनी। ये बिल्कुल सही समय है इसमें एंटर करने का। उसके बाद चाहे ग्राफ यहाँ तक जाए, फिर चाहे यहाँ तक जाए, फिर यहाँ तक जाए, आपको प्रॉफिट होगा। इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको प्रॉफिट ही होगा, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो। उसके बाद पहले मैं आपको इसके कुछ फंडामेंटल्स चेक करा देता हूँ। कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 19.2 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैपिटल है। कंपनी का करंट प्राइस 4.40 रुपये और कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी के हम पीयर कंपैरिजन देखें, जैसे आप देख सकते हैं कंपनी कास्टिंग एंड फॉर्निंग इंडस्ट्री की कंपनी है, फॉर्निंग इंडस्ट्री की ये कंपनी है। कंपनी की सेल आप देख सकते हैं इस क्वार्टर पर बढ़ी है, कंपनी की सेल पहले के मुकाबले बढ़ी है कंपनी की सेल। उसके बाद सबसे मेन और लास्ट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रमोटर्स होल्डिंग। कंपनी की जो प्रमोटर्स होल्डिंग है उसमें आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग है 61.232% की। अब आप कहेंगे कंपनी लॉस में, फिर भी प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए मार्च 2019 वाले से क्वार्टर से बनी हुई है लगातार। कंपनी लॉस में जाने के बावजूद, क्योंकि वो जानते हैं उनका पैसा उन्होंने अपना निकाला नहीं है, कुछ प्रमोटर्स ने अपना जो रिटर्न है वो पाकर यानी पैसा कमाने के बावजूद उसमें पैसा लगा के रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कंपनी अपने ऑल टाइम लो की तरफ है और बहुत तगड़ा रिटर्न ये आने वाले समय में हमें देने वाली है। इसलिए आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है कि शेयर आने वाले समय में अच्छा करने वाला है। कंपनी जिस कंपनी की हम बात कर रहे थे वो मेटालिस्ट फॉरेन लिमिटेड की कंपनी है, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, NSE रजिस्टर्ड कंपनी है। परचेजिंग प्राइस की बात करें तो ये बिल्कुल सही समय है इसमें निवेश करने का, आप इसे इसी प्राइस रेंज पे खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत ही नहीं है और टारगेट आप अपनी समय सीमा के हिसाब से रख सकते हैं, आप ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। वैसे टारगेट हमें इसका जो लेना चाहिए वो 250 रुपये के आसपास इसका टारगेट हम मानकर चल रहे हैं आने वाले 2 से 2.5 सालों में। तो ये 2 से 2.5 सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है।
तो दोस्तों ये मैं आज आपके लिए शेयर लेकर आए थे अपने ऑल टाइम लो की तरफ है। इसे मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगा, आप इसे खरीद सकते हैं इसी प्राइस रेंज पे। बाकी आप अपनी भी स्टडी और रिसर्च इसमें ऐड करें। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अन्य आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन समय रहते आपको मिल सके। धन्यवाद।